मित्रों, आज आप सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे वृहद परिवार में WWF के प्रख्यात पहलवान आदरणीय द ग्रेट खली जी शामिल हो रहे हैं। उनको पार्टी में प्रवेश दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, केंद्र सरकार के आदरणीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सांसद आदरणीय सुनीता दुग्गल जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय अरुण सिंह जी और आदरणीय जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि सदस्यता की पर्ची देकर आदरणीय ग्रेट खली को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का शुभ कार्य करें। भाई साहब पकड़िए आप भी जितेंद्र जी। पटका ग्रेट खली बुके आप मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में द ग्रेट खली, जो विश्व के महान रेसलर और जिन्होंने द अंडरटेकर, जॉन साइना, केन, इनके साथ कड़ा मुकाबला किया और कईयों को विश्व स्तरीय जो रेसलर थे उनको हराने का काम किया। आप किसान के बेटा हैं, बचपन में पत्थर भी तोड़ने का काम किया, लोगों की मदद करते थे, एक सामान दूसरे से सामान कहाँ रखना है, और आपके मेहनत और प्रतिभा के कारण ही पंजाब पुलिस में आपको नौकरी मिली। उसमें अधिकारी थे, पुलिस ऑफिसर थे। उसके बाद आपने WWE प्रतियोगिताओं में भाग लेने का काम किया, जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, हर देश में आपका भ्रमण हुआ। आपने विश्व स्तरीय जब जो रेसलर थे उनको हराने का काम किया तो सभी भारत के लोग गर्वान्वित महसूस किए। प्रधानमंत्री जी की नीतियों और कार्य, जो उनकी योजना है, पार्टी के सिद्धांत है, विचार, उससे प्रभावित होकर के आज आपने पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य योजना है, गरीबों के प्रति जो काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में और पार्टी के मुख्यालय में द ग्रेट खली, जिनका पहले नाम दिलीप सिंह राणा और बाद में द ग्रेट खली की उपाधि मिली, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ साथ आप ही के साथ बलवान सिंह जी और सत्येंद्र सिंह जी भी आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप आइए, आपको पार्टी की सदस्यता देते हैं। सत्येंद्र सिंह जी अमेरिका से हैं और जी जी लीजिए भाई साहब, कहाँ गए, आइए इधर आ जाइए। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी हैं, वो बलवान सिंह जी ज्वाइन कराएंगे। भाई साहब आप ज्वाइन करें, कहाँ गए बलवान सिंह जी? भाई साहब आप
बलवान सिंह जी द ग्रेट खली जी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। भाई साहब आप स्पीच मानी जितेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री यहाँ पे हैं, वो बात रखेंगे, उसके बाद द ग्रेट खली जी अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो अभिनंदन है खली दी ग्रेट उर्फ दिलीप सिंह राणा जी का और उनके साथियों का, आज वो भारतीय जनता परिवार के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत भी इनके साथ कुछ एक वर्षों से परिचय रहा है। निष्ठावान व्यक्ति, प्रतिबद्धता के कायम रहने वाले ऐसे व्यक्ति, राष्ट्रवादी सोच के, भले ही इन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, दूर पार देशों में इनका प्रवास रहा अपने व्यवसाय के संबंध में अन्य कारणों से, फिर भी इनका दिल हमेशा हिंदुस्तान में बसता रहा। और जैसा कि आपने देखा, इनका आकार, इनका व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि सारा विश्व इनको जानता है। अभी मैंने पटका पहनाना था तो मुझे अनुरोध करना पड़ा कि थोड़ा सर झुकाइए, क्योंकि मेरा सर तो इतना ऊंचा हो नहीं सकता। तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से हमारी बात स्वीकार की। तो शरीर में भी बलवान, विचार में भी बलवान, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को बलवान बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसके अतिरिक्त ये इस बात का भी प्रतीक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्रॉस दी सेक्शंस हर वर्ग के लोग प्रभावित होकर के इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो फिल्म जगत के हैं, चाहे खेल जगत के हैं, चाहे कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई क्षेत्र हो। और जिस प्रकार एक सूत्र में मोदी जी ने सारे देश को बांधा है और एक लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जा रहे हैं, इस अमृत महाकाल से निकल करके आजादी के 100वें वर्ष में, जब एक विश्व मूर्ति के रूप में भारत अपनी प्राथमिक स्थान ग्रहण करेगा, उस यात्रा की ओर, उसमें सभी भारतवासी अपनी यथाशक्ति, अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और दिलीप सिंह राणा उर्फ खली दी ग्रेट, जिनको मेरे ख्याल से पहली बार मैं 2016 में मिला था, इनके आ जाने से मुझे लगता है कि एक प्रेरणा स्रोत भी रहेगा अन्य युवाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी, कि यदि ये अपनी सेवाएं देते हैं तो क्यों कोई नागरिक पीछे रहे मोदी जी की इस यात्रा में हाथ बटाने के लिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन खली जी। थैंक यू। ग्रेट खली जी अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। आपने विश्व स्तरीय रेसलर के साथ साथ कई फिल्मों में और टीवी सीरियल में भी अभिनय किया है। देश के कोने कोने के युवा आपको जानते हैं, आपसे प्रभावित होते हैं। अब ग्रेट खली जी आप कुछ कई आपको मैं निमंत्रण करता हूं, कुछ अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं मीडिया लोगों का और जो मंच पे बैठे मंत्री जी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत अच्छा लगा है आज मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा है। और जैसे हमारे मंत्री जी ने बोला है कि भाई आप ने रेसलिंग करी है, और मैंने बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइज पे रेसलिंग करी है, सिर्फ शायद ही कोई कंट्री होगी जहां पर मैंने रेसलिंग ना करी होगी और कहीं किया नहीं होगा। सो मैं छोटी बात करता हूँ, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं अभी करूँगा क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। सो आई वॉन्ट कि भी जो अगर मैं कोई नाम, कोई ऐसा कोई धन दौलत पैसा, तो मैं WWE पे और अमेरिका पे रहता, मैं वहीं पर था मैं और वहीं रहता मैं। यहाँ पर मेरे ना भारत के प्रति मतलब एक प्यार और एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने काम किया है देश के लिए,
उसको देख के कि भी मतलब सही प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है और क्यों नहीं मैं भी वापस जाऊँ और अपने हिंदुस्तान में और उनके साथ मतलब उनका एक हिस्सा बनूँ कहीं ना कहीं ताकि मतलब हमारा देश और तरक्की कर सके। मतलब सो उनके मैं जो ज्वाइन करी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो विचारधारा देश के प्रति 20-20 घंटा काम करना और जो इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है कि बहुत ही एक राष्ट्र नीति है कि भी राष्ट्र को कैसे, भारत को कैसे आगे बढ़ाना, तो उसके प्रभावित होके मैंने ज्वाइन करी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ भी मेरी भारतीय जनता पार्टी ड्यूटी लगाएंगे और कोशिश करूँगा वहाँ पर मैं खरा उतरूँगा। सो बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए, सो आई वांट टू से थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।